हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दास ऑटोमोटिव। भाई लोग, अगर आप लोगों ने एक 125 सीसी की स्कूटर खरीदने का सोच रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा यूट्यूब पे एक्टिवा 125 OBD2 का वीडियो देख लिया है और आप सोच रहे हो कि एक्टिवा 125 लूँ या फिर DA125 लूँ या फिर ये वाला यामा रेजेडर लूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर आपका ये सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहे आखिर तक। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो ये टॉप मॉडल है, स्ट्रीट रैली एडिशन। इसमें टोटल 3 कलर मिलती है। ये वाला है मैट ब्लैक, बगल में जो खड़ा है उसका नाम है मैट कॉपर, और एक आता है लाइट ग्रे वर्मिलियन। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा वेरी स्पेशल थैंक्स टू पाल ऑटोमोबाइल्स यामा फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक। अगर कोई भाई लोग कोलकाता से देख रहे हो और यामा की कोई भी बाइक या फिर स्कूटर खरीदने का सोच रहे हो तो शोरूम पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी आपको इसमें नॉर्मल ही देखने को मिलेगी यामा की ब्रांडिंग के साथ। इसका चाबी ऑन करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर इसका वाई शेप में DRL ऑन हो जाता है, और भाई ये काफ़ी ब्राइट है। यहाँ पर टिंटेड ब्लैक कलर में छोटा सा वाइजर मिलता है। यहाँ पर ब्लू कोर हाइब्रिड का स्टिकरिंग, इसमें आपको हैलोजन में इंडिकेटर मिलती है, और भाई सबसे अच्छी बात, इस स्कूटर में आपको नकल गार्ड कंपनी फिटेड मिल जाती है, जो कोई भी स्कूटर इस प्राइस रेंज में अभी तक ऑफर नहीं कर रही है। यहाँ पर इसका फ्रंट पोर्शन पूरा फाइबर में दी गई है। यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगी, और भाई स्कूटर में आपको ऑल LED हेडलाइट का सेटअप मिलता है, जिसका थ्रो रात में काफ़ी बढ़िया मिलती है। होंडा की स्कूटर से तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर रेजेडर का ब्रांडिंग दी गई है जो काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसका फ्रंट मड गार्ड हार्ड फाइबर में दी गई है, जबकि एक्टिवा में यह पूरा मेटल का मिलता है। आगे में आपको 190mm का डिस्क साइज मिलती है, और इसमें आपको UBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगी। बाकी इस ब्लैक कलर के अंदर आपको गोल्डन कलर में अलॉय देखने को मिलती है, और लाइट ग्रे वर्मिलियन कलर के अंदर ऑरेंज कलर के अलॉय मिलेगी। फ्रंट में 90x90 सेक्शन का टायर मिलता है, 12 इंचेस का व्हील साइज दिया है। एक्टिवा 125 के अंदर में भी आपको सेम सेक्शन देखने को मिलेगी फ्रंट टायर का, लेकिन पीछे का टायर दोनों में अलग मिलता है। आगे में टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिलता है। इसमें आपको 145mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन एक्टिवा 125 के अंदर आपको काफ़ी शानदार 162mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। यहाँ पर साइड फेंडर में स्ट्रीट रैली का स्टिकरिंग, मतलब ये टॉप मॉडल है। नीचे यामा का स्टिकरिंग, और यहाँ पर ये वाला पोर्शन मेटल का मिलता है सिल्वर कलर में, क्योंकि स्कूटर गिरने पर ये वाला पोर्शन ही फर्स्ट टच होता है। ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग, और भाई इसमें काफ़ी स्पेशियस फ्लोर मिलता है, जिससे आप बहुत सारा यहाँ पर सामान वगैरह रख पाओगे। बाकी इसके अंदर आपको फ्लोर मैट एक्सेसरीज में मिलता है ये वाला, जिसका प्राइस है 350 रुपीज़। इसके अंदर आपको मल्टी फंक्शन की स्विच देखने को मिलती है। चाबी को लेफ्ट की तरफ घुमाने से सीट ओपन हो जाता है। यहाँ पर एक हुक मिलता है सामान वगैरह टांगने के लिए। बाकी इस तरफ आपको और कोई भी हुक या फिर एक्टिवा की तरह ग्लोव बॉक्स देखने को नहीं मिलेगी। और भाई इसमें आपको काफ़ी चौड़ी सीट मिलती है, 2-level सीट इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर यामा का ब्रांडिंग, और भाई इस सीट का कुशन ठीक ठाक है, लेकिन एक्टिवा 125 का सीटिंग कंफर्ट इससे ज़्यादा है। बाकी नीचे यहाँ पर सिग्नस रेजेडर 125 का ग्राफिक्स देख सकते हो। यहाँ पर पियानो ब्लैक का फिनिशिंग दिया है, मेटल का पार्ट। भाई इसका पिलियन फुट पैक देखिए, काफ़ी मोटा एंड रबर का कोटेड मिलता है ये। यहाँ पर फैन दी गई है इंजन को ठंडी रखने के लिए, और ब्लैक कलर में इसके एग्जॉस्ट गार्ड मिलता है फाइबर में, जिसका ऊपर यहाँ पर यामा का ब्रांडिंग किया हुआ है। इसका एग्जॉस्ट काफ़ी स्टाइलिश एंड स्पोर्टी दिखती है एक्टिवा 125 से। बाकी पीछे आपको 110x90 10 इंचेस का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जबकि एक्टिवा 125 में पीछे 90x100 10 इंचेस का टायर मिलती है। इसका रियर टायर काफ़ी मोटा मिलता है। और भाई इस स्कूटर का इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो इसमें आपको BS6 फेस टू कम्प्लाइंट 125 cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC 2-वाल्व एयर कूल्ड FI हाइब्रिड इंजन मिलती है, जिसका पावर आउटपुट है 8.04 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकलती है ये इंजन। इसका टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की। यहाँ पर मेटल का काफ़ी चौड़ी एक ग्रैब हैंडल मिलता है, और यह पूरा मैट ब्लैक कलर में है। अब इसका रियर लुक्स देख लेते हैं। पहले इसका चाबी ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, पीछे आपको हैलोजन में टेल लाइट मिलता है, लेकिन ये शानदार लुक्स के साथ आती है। हैलोजन में टर्न इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, हैलोजन में नंबर प्लेट दी गई है नंबर प्लेट लगाने की जगह, और इसका दोनों तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाती है। पीछे वाला टायर का पैटर्न देखिए, काफ़ी बढ़िया ग्रिप के साथ ही आती है, स्पेशली मोटा होने की वजह से दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरफ आपको इंजन देखने को मिल जाती है, जो पूरा अच्छी तरीके से कवरिंग किया हुआ देखने को मिलती है। बाकी पीछे आपको यूनिट स्विंग सस्पेंशन मिलती है, और सस्पेंशन के ऊपर में रबर का एक कवर किया हुआ देखने को मिल जाती है, और पीछे 120mm का ड्रम ब्रेक मिल जाती है, जो कि एक्टिवा से 10mm कम है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको किक स्टार्ट भी मिल जाती है। इंजन में यामा का ब्रांडिंग, सेंटर स्टैंड,
सिंगल स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर। अब दोस्तों इसका मीटर कंसोल एक बार देख लेते हैं। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है और चाबी ऑन करने के बाद ऐसा कुछ एनिमेशन के साथ ये ऑन हो जाता है। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाती है। इसका चारों तरफ सिल्वर कलर का फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। मीटर कंसोल की ऊपर में यहाँ पर टैकोमीटर, यहाँ पर स्पीडोमीटर, यहाँ पर ओडोमीटर एंड नीचे फ्यूल गेज मिलता है और इस तरफ सारे सिग्नल्स का लाइट देखने को मिल जाती है। नीचे इंजन ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ का सिग्नल, इंजन मेलफंक्शन का सिग्नल, हाई बीम का सिग्नल, इंडिकेटर, इको का सिग्नल, यहाँ पर असिस्ट का सिग्नल लाइट देखने को मिलती है। और इस बटन को प्रेस करके आप ट्रिप मीटर, इस ट्रिप मीटर का फ्यूल इकोनॉमी, रियल टाइम माइलेज, टाइम, ये सब कुछ देखने को मिल जाती है। बाकी इस तरफ हेडलाइट, अपर डीपर एंड पास स्विच, इंडिकेटर एंड नीचे हॉर्न का बटन मिलती है। हॉर्न ठीक ठाक लाउड है। इस तरफ ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ करने का स्विच एंड नीचे सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलती है। और भाई इसका हैंडल बार का ग्रिप भी एक्सेसरीज में मिलेगी, कुछ इस तरीके का दिखती है, जिसका प्राइस है 150 रुपीज़। दोस्तों अब इसके एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। इसके अंदर आपको स्मार्ट मोटर जनरेटर साइलेंट स्टार्ट मिलता है, जिससे ये पूरा साइलेंटली स्टार्ट होता है। और भाई इसका एग्जॉस्ट साउंड भी इस अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड एंड स्मूथ हो गया है। इस स्कूटर में आपको 5.2 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है और भाई माइलेज इससे आप 51 किलोमीटर तक निकल सकते हो। इतना बढ़िया माइलेज निकल देती है ये बिकॉज ऑफ हाइब्रिड इंजन। अब बात कर लेते हैं इसका प्राइस का। यामाहा रेजेडर स्ट्रीट रैली टॉप मॉडल का एक शोरूम कीमत है 96,130 रुपीज़ और कोलकाता के अंदर इसका ऑन रोड प्राइस है 1,17,550 रुपीज़। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। अगर प्राइस के हिसाब से देखोगे तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिलती है एक्टिवा 125 से। बाकी अगर आप लोग एक रागेड स्कूटी एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन चाहते हो तो आपके लिए एक्टिवा 125 सही रहेगा, लेकिन उसका माइलेज इससे थोड़ा कम है। और एक फ्यूचरिस्टिक लुक, शानदार हेडलाइट, हाइब्रिड सिस्टम वाला स्कूटी लेना चाहते हो तो आपके लिए रेजेडर बिल्कुल सही रहेगा। हाँ मानता हूँ इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फीचर्स भी तो उससे ज़्यादा ही मिल रही है ना। अगर फिर भी आपका मन में डाउट है तो मेरे को कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।